सरकार में जनता का काम करना और जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी सरकार का दायित्व है। उसमें कभी आर्थिक संकट आता है, कभी आपदा संकट आता है, कभी राजनीतिक संकट आता है। इन संकटों का सामना हमने करना है और इन चुनौतियों को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ना है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग हिमाचल प्रदेश का विकास चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता का विकास चाहते हैं। उन छह विधायक को लेकर भी आप नरम दिखे, आपने कहा कि सब छोटे या बड़े भाई हैं, अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत नहीं? वो तो देखिए, जो मैंने कहा है वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपको कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। राजनीति में आप एक प्रेरणा स्रोत होते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो जब आप ऐसी कारनामे करोगे तो उसका असर समाज पर पड़ता है। धन्यवाद। इसमें बीजेपी का कितना योगदान था, ये जो खेल हुआ पूरा, इसमें बीजेपी का कितना? मेरा तो, मैं कोई अपनी सरकार के खिलाफ तो योगदान दे नहीं सकता, तो इसमें योगदान बीजेपी का ही था। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से विफल हुआ है और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने और आदरणीय राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे साहब ने सही समय पर सही फैसले लेकर के सरकार को बचा लिया है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी कहे कि हम इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अगर विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा में, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में पंचकुला भेजा जाए या कहीं और शिफ्ट करने का प्रयास किया जाए, तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिश थी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को गिराने की। और ऐसा राज्य जहां अभी चंद दिनों पहले प्राकृतिक आपदा आई थी, यही है भाजपा की राजनीति कि जब महाराष्ट्र में कोविड था, मध्य प्रदेश में कोविड था, तब वहां की सरकारों को गिराने के प्रयास थे, लोकतंत्र को लूटने के प्रयास थे। अभी जब चंद दिनों पहले वो राज्य धीरे धीरे प्राकृतिक आपदा से उबर रहा है, तो वहां की सरकार, हिमाचल की सरकार गिराने का प्रयास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें वहां विफल हो चुकी हैं। और हम देश को विश्वास दिलाते हैं कि हिमाचल की सरकार अगले 5 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। हमारे आंतरिक मामले जो होंगे उसे हम सुलझा लेंगे, लेकिन भाजपा सरकार गिराने का प्रयास न करे, सफल नहीं होगी। निश्चित तौर से जो अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करेगा, नीचे करिए, जो व्हिप जारी होती है उसका उल्लंघन करेगा, तो सदस्यता जो निरस्त हुई है वो नियम संगत है, नियम के तहत है कि जो व्यक्ति पार्टी के लाइन के विरुद्ध जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। और निश्चित तौर से ऐसे